Good morning students, this is KD sir from Civil Education. Today we are going to do Science and Technology chapter number 1, Chemical Reactions and Equations. Right? Today in this video we are going to cover the topic balancing of chemical equation. Chemical equations kis tarah balance karte hain wo hum aaj karne wale hain. Right? Ab ye dekhiye, agar aap dekhenge to मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड राइट. ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है वर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहां कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ, तो ये है वर्ड इक्वेशन. अब इस वर्ड इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया उन्होंने, फॉर्मूला यूज किया, राइट, दैट इज केमिकल फॉर्मूला यूज करने लगे. और केमिकल फॉर्मूले से जो लिखते हैं, जैसे Mg plus O2 gives MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ये लिख तो दिया आपने, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ कुछ बैलेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए Mg एक है. अच्छा, ये बाजू लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स. राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट. लेफ्ट हैंड साइड को हम केमिकल इक्वेशन में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स. दिस रिएक्टेंट्स के मिक्स टुगेदर फॉर्म है डू क्रिएट विद ईच अदर एंड गिव द प्रोडक्ट. राइट, तो ये जो है ये है प्रोडक्ट, आउटपुट है, तो इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स और इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. राइट, ओके. अब अभी अगर हम बैलेंस करते हैं कैसे, देखें रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट में अगर आप लिखे तो Mg इक्वल टू कितना है, 1 है, और O इक्वल टू कितना है, 2 है. प्रोडक्ट वाइज अगर हम लिखे तो देखिए Mg इक्वल टू कितना है, 1 है, और O इक्वल टू कितना है, 1 है. अब देखिए ये Mg तो बैलेंस हो गया लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, तो अब बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग खाली 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो यहां पे इसका आंसर क्या आएगा सर, Mg plus O2 gives 2MgO. क्या तो लिखते हैं हम लोग, 2MgO. लेकिन अब ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया हमने, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस करते करते क्या हो गया, मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया, और यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम 1 है. तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट स्टेप में मैग्नीशियम को बैलेंस करना है. तो मैग्नीशियम बैलेंस यहाँ पे 1 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. देयरफॉर द फाइनल स्टेप विल बी 2Mg plus O2 gives 2MgO. देखिए अभी बैलेंस हो गया है, वो 2Mg plus O2 gives 2MgO. अब ये जो अनबैलेंस इक्वेशन था, इसे हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. वन मार क्वेश्चन, ये जो अनबैलेंस इक्वेशन था उसे हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और ये जो बैलेंस इक्वेशन है इसे हम कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, और हीट एंड ट्रायल केमिकल इक्वेशन. Why? Because if you see, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, right? पहले हमने कौन सा एटम ज्यादा है, किस एलिमेंट का एटम ज्यादा है, वो सब ऑब्जर्व करके हमने ट्रायल मेथड पे, ट्रायल बेस पे किया है. Therefore, this method is called heat and trial method or heat and trial chemical equations. Okay, I hope you understood. This was the first example. We will just do the another one or two more examples so that you get it. Right? You can understand well. और फिर भी अगर कुछ query हो तो आप please लिखिए मुझे, कमेंट्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. ओके, आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज Fe plus H2O गिव्स Fe3O4 plus H2O. वापस बोल रहा हूं, राइट, Fe plus H2O गिव्स Fe3O4 plus H2, राइट. अब ये क्या है, इस केमिकल इक्वेशन में अगर आप देखो तो पहले तो रिएक्टेंट्स, राइट, रिएक्टेंट्स में लिख लेते हैं पहला स्टेप. रिएक्टेंट्स में क्या है, Fe1H2O1, राइट, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1. फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स में देखिए तो Fe3O4 और H2. H2 तो बैलेंस है, Fe में 1 और 3 फर्क है, और ऑक्सीजन में 1 और 4 है. सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा एटम किसका है सर,
वो काम और वो किस तरफ है प्रोडक्ट साइड तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम ओ अंडरस्टूड वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑलवेज फ्रॉम द हाईएस्ट एटम मॉलिक्यूल तो इसमें अगर आप देखो तो हाईएस्ट एटम किसका है ऑक्सीजन का है लेट अस स्टार्ट अभी यहां पे है ओ4 है यहां पे ओ4 है तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा यहां पे ओ1 है यहां पे ओ1 है यहां ओ4 है तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से राइट तो यहां चलो लिख देते हैं स्टेप नंबर 2 Fe प्लस 4 H2O मैंने प्रीवियस इक्वेशन में समझाया था 4 आगे डालेंगे H2O 4 नहीं डाल सकते तो 4H2O gives Fe3O4 प्लस H2 ऑक्सीजन मैंने बैलेंस कर दिया 4 ऑक्सीजन आ गया अब वापस देखिए मैंने जैसा बोला एक को बैलेंस करेंगे तो दूसरा अनबैलेंस होने के चांसेस है फिर से लिख देते हैं रिएक्टेंट्स के साइड पे लिखते हैं Fe is equal to 1 फिर H is equal to कितना हो गया इस बाजू 4 to the 8 हो गया तो 8 हो गया ऑक्सीजन is equal to 4 हो गया प्रोडक्ट साइड देखिए Fe is equal to 3 फिर H is equal to कितना है 2 और O 4 हो गया अब हम नेक्स्ट बैलेंस किसको करेंगे हाइड्रोजन क्योंकि H 8 है तो देखिए लेट्स स्टार्ट यहां पे 8 है यहां पे 2 है 2 के टेबल पे 8 कब आता है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और ये आएगा हम लोग 4 से मल्टीप्लाई तो हम सेकंड स्टेप लिखते हैं 4 वाला राइट पहले यहां लिख देता हूं Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2 I hope you understood 4 to the 8 बैलेंस हो गया राइट अब बाकी रहा है अभी भी एक अनबैलेंस है कौन है अगर यहां पे Fe1 है यहां पे Fe3 है तो अभी ये बैलेंस करना पड़ेगा तो नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ अभी हम क्या करेंगे इसका राइट साइड लिखेंगे r r में क्या है देखिए की तरफ r में है Fe1 Fe equal to 1 फिर h equal to 8 और o equal to 4 राइट और प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स में क्या है Fe equal to 3 ओके नाउ o is equal to 4 और h is equal to 8 मतलब यहां पे देखिए h भी सॉल्व है o भी सॉल्व है और जो सॉल्व नहीं है तो f भी नहीं सॉल्व है अब f भी नहीं सॉल्व है तो क्या करना है यहां पे 3 है और ऊपर 1 है तो इक्वल कर रहा हो तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट Fe 3Fe दैट इज फोर्थ नंबर बराबर 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2 right 3Fe plus 4H2O plus Fe3O4 plus 4H2 अब देखिए सब कुछ सॉल्व हो गया Fe भी 3 है H2P 8 है ऑक्सीजन भी है और दिस वे वी हैव गॉट बैलेंस इक्वेशन दिस वे वी हैव गॉट बैलेंस इक्वेशन अब ये जो बैलेंस इक्वेशन जैसे मैंने बताया था ये कौन सा मेथड से हुआ हीट एंड ट्रायल मेथड से कौन से मेथड से हीट एंड ट्रायल मेथड से अब हम आगे देखते हैं अब ये जो चीज है बराबर अब इसको और अच्छा परफेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं फिजिकल स्टेट डालते हैं इसका इसका फिजिकल स्टेट अगर आप देखें तो फिजिकल स्टेट में क्यों डाला है सो अगर हमको पता चले कि जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं वो किस स्टेट में थे अब उसमें देखिए अलग अलग है राइट अगर आप सॉलिड है तो उसके लिए हम लिखेंगे छोटा एस लिक्विड है तो उसके लिए लिखेंगे एल फिर उसके बाद गैसियस है तो उसके लिए लिखेंगे जी फिर उसके बाद एक्वियस है इसके लिए लिखेंगे ए क्यू अब ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वियस राइट द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर इज कॉल्ड एक्वियस द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर इज कॉल्ड एक्वियस सॉल्यूशन तो ये वाला अगर हम स्टेट इसको देंगे तो दैट रिएक्शन विल कम कंप्लीट तो लेट अस सी राइट ये देखिए 3 Fe तो S मतलब सॉलिड हुआ
4H2O, that is हमने लिखा गैस, फिर उसके बाद Fe3O4, that is solid plus, फिर उसके बाद 4H2, that is gas, right? अब Fe तो solid iron बराबर है, लेकिन ये H2O आप पूछे पे कि ये तो liquid होना चाहिए सर, पानी है? नहीं, जब अगर गैस दिया है, अगर G दिया है, that means that water is used in the form of steam. क्या मतलब है? That means that water is used in the form of steam. Okay? And this way our chemical equation is balanced. And this way we have completed our balancing of chemical equation. I hope students you understood. अगर इसमें आपको कोई query है, कुछ भी है, तो बताना. बराबर, you can write to me so that I can explain another time. और आप लोगों को आपका डाउट जो है वो क्लियर कर सकता हूँ. यू कैन राइट टू मी इन कमेंट्स आल्सो, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, उसका हम जवाब देंगे. ओके, लाइक और शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब के बाजू में जो छोटा सा बेल आइकन है उससे प्रेस करना, सो दैट हमारा जो भी एजुकेशन वीडियो है आपको मिलते रहेगा.